करो शोभा। सुशी आइए आइए, क्या लेंगे चाय? मैं बना के लाती हूँ, आप बैठिए ना। अरे पापा आप। अरे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। बेटा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूँ। बहुत अच्छा किया पापा जो आप मिलने चले आए। बेटा तुम लोगों के कहने के मुताबिक ऊपर वाले ने सब ठीक कर दिया है, तुम्हारी माँ भी घर वापस आने के लिए राजी हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बेटे अब तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? तुम लोग भी अपने घर वापस चलो ना, हम तीनों लोग मिलकर तुम्हारी माँ का स्वागत करेंगे, वो कितनी खुश होंगी, ये खुशी हम लोग मिलकर मनाएंगे बेटा। हाँ पापा लेकिन आपकी, मैं जानता हूँ बेटा तुम लोग मुझसे इसी बात पर गुस्सा हो ना कि मैं शराब पीता हूँ, तुम लोगों का कहना नहीं मानता, लेकिन बेटा मैंने वो अब सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। जब से तुम लोग वो घर छोड़कर आए हो ना, अरे वो घर बहुत सूना हो गया है, तुम लोग प्लीज वापस आ जाओ। पापा परेशान क्यों हो रहे हैं? मम्मी ने तो आना ही है, हम उनके साथ आ जाएंगे। नहीं बेटा प्लीज मेरी बात मानो, घर वापस चलो, हम तीनों लोग मिलकर तुम्हारी माँ का स्वागत करेंगे। बेटा देखो तुम लोग अगर ऐसा करोगे तभी मुझे लगेगा कि तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। ओके पापा, कविता पापा ठीक कह रहे हैं, हम आएंगे पापा। थैंक्स अ लॉट मेरे बच्चा। लीजिए। थैंक यू। चलो विकी हम चलते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। हाँ ओके पापा, बाय 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 मम्मी, बाय बाय। शोभा मैंने विक्की और कविता से कहा है कि वो दोनों घर वापस आ जाएं। वो लोग घर वापस आ जाएंगे तो हम तीनों तुम्हारा वेलकम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चों के दिल से गलतफहमियां दूर हो जाएं। मैंने ठीक किया ना शोभा? बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्या बच्चे मान गए? मुझे लगता है कि वो अभी भी डबल माइंडेड हैं, लेकिन तुम कहोगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। ठीक है मैं ज़रूर कहूँगी, बल्कि मैं उन दोनों को आपके घर छोड़ने भी आऊँगी। अरे मैं आपको ये खुशखबरी देना तो भूल ही गई, अपनी वो शालिनी है ना, वो माँ बनने वाली। क्या शालिनी माँ बनने वाली है? हाँ आज वो मुझे नर्सिंग होम में मिली थी तब पता चला मुझे, पता नहीं क्यों मुझसे बात उसने छुपाए रखी, अपने पति के बारे में भी मुझसे कुछ नहीं बताती, जब मैं पूछती हूँ कहती है वो आउट ऑफ इंडिया है बिजनेस के सिलसिले में। क्या हुआ आप कितने परेशान नजर आ रहे? नहीं मुझे तो ताज्जुब है इस बात का कि तुम दोनों इतनी गहरी सहेलियां हो, उसके बावजूद उसने तुमसे ये बात छुपाई। बिल्कुल मैं भी ये सोचती हूँ, परेशान होती हूँ कि आखिर ये मुझसे बातें क्यों छुपाती है, मुझे तो ये सब एक मिस्ट्री सा लगता है, पता नहीं इस औरत के पीछे क्या कहानी है और वो मुझसे क्यों छुपा रही है, किस बात का डर है उसे? इस वक्त आप तो कभी अपने आप आते नहीं, हमेशा फोन करके बुलाना पड़ता है मुझे। आना पड़ा। वैसे ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम मां बनने वाली हो? तो इसमें बुराई ही क्या है, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, आखिर मैं आपकी पत्नी हूं और हर औरत शादी के बाद मां बने ये उसका सपना होता है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत कदम उठाया है। बात वो नहीं है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप खुद ही समझ सकते हैं मैंने आपको क्यों नहीं बताया, बस यूं समझ लीजिए मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। कमाल है, मैं बाप हूं और तुमने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? बाप बनने की चाह अगर आपके अंदर होती तो आप हमारे पहले बच्चे को कभी अबॉर्ट नहीं होने देते, याद है ना आपको? आपको बच्चे की जरूरत ही क्या है, आप तो बस मुझसे और मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते, हमदर्दी नाम की चीज ही नहीं है आपके अंदर। चुप रहो तुम, मैं ये सब बकवास सुनने यहां नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो भी सुनिए, मैंने ये सब कुछ आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि इस बार भी अगर आपको पता चल गया तो
आप मेरा अबॉर्शन करा देंगे। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है अब आप पर। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन मैं अपने दिल से आपको अपना पति मानती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द शोभा जी आपकी जिंदगी में वापस आने वाली है और आप कभी भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर मुझे भी तो जीने का कोई सहारा चाहिए, हाँ? इसलिए मैंने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। शालिनी, तुमने मुझे न बताकर बहुत बड़ी गलती की है। But I'm sorry, सुशील, अब कुछ नहीं हो सकता। 4 महीने गुजर गए, अब अगर कुछ कराया ना तो मैं भी नहीं रहूंगी और मेरे पेट में पलने वाला बच्चा भी नहीं रहेगा, और हम दोनों की मौत के जिम्मेदार होंगे आप। हाँ मिस्टर सुशील कुमार। शालिनी, तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो? क्या करूं, सीख गई हूं। वक्त और हालात से ज्यादा तो आपने मुझे सिखाया है। आज तक एक पत्नी बनकर मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन आज आपके सामने एक पत्नी नहीं, एक माँ खड़ी है। एक पत्नी का दिल दुखाएंगे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर एक माँ का दिल दुखाएंगे ना तो वो चुप नहीं रहेगी। वो अपने बच्चे के हक के लिए किसी से भी लड़ बैठेगी। एक माँ की आह बहुत बुरी होती है सुशी। कहाँ जा रहे हैं? तुमने मेरे साथ जो ये धोखा किया है ना, बहुत गलत किया है। देखा, आप जरा भी खुश नहीं हुए ये सुनकर ना। अगर मैं आपको ये सब कुछ बता देती तो आप जरूर मुझे मजबूर करते अबॉर्शन के लिए। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी माँ ने आपसे ये बात छुपाने के लिए कहकर कितना सही किया। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें बिगाड़ा है। एक्सक्यूज मी सुशील, मेरी माँ ने मुझे बिगाड़ा नहीं है, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया है, और हमेशा वो मुझे सही रास्ता ही दिखाती रही। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उनकी बात सुनने के बजाय आपकी बात सुनती रही। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार भी अगर मैं उनकी बात नहीं सुनती तो मुझे क्या क्या भुगतना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है, इस बच्चे की बात को लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं, आप क्यों डरेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की ना तो ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे दोनों को खत्म कर लूंगी। लेकिन हाँ, मरते मरते आपके चेहरे पर जो ये नकाब चढ़ा हुआ है ना, उसे जरूर उतारती जाऊंगी। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आपका क्या होगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। विकी, मेरे ख्याल से अब हमें पापा के पास वापस चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पापा सोच रहे हो कि हमारे दिल में उनके लिए अभी तक कोई गलत बात है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो कविता, लेकिन हम इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक चले जाएंगे तो मम्मी क्या सोचेगी? मम्मी कुछ नहीं सोचेगी, बल्कि मुझे तो इस बात से बेहद खुशी हो रही है। तुम दोनों ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैं खुद तुम दोनों को वहाँ छोड़ने चलूंगी। सच? मम्मी आपको दुख नहीं होगा? अरे दुख कैसा, तुम दोनों उस घर में रहते हुए भी मेरे पास ही रहोगे। बच्चों, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ जाएगी, हैं? परेशानी की क्या बात है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बाबूजी, हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी वजह से आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं। कौन कहता है? हाँ, तुम्हारे पिताजी के कारण मैं तुम दोनों को गुस्सा करता रहा। उससे मैं इंसान कुछ भी कह जाता है, लेकिन जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों में तुम्हारे पिताजी की आदतें नहीं है, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अब तो पापा बिल्कुल सुधर गए। बहुत खुश हूं ये जानकर, और मैं यही प्रार्थना है कि भगवान उसे ऐसे ही सुधारे रखे। चलो बच्चों, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो इतनी बातें सुना के चला गया और तूने कुछ नहीं कहा? कहा तो मैंने भी माँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना सुशील को, मेरी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। अब तो मुझे लगता है
कभी मुझसे मिलने यहाँ नहीं आएंगे। वो नहीं आएगा, लेकिन तू तो जा सकती है ना। अभी इसी वक्त जा और उससे अपना हक मांग। नहीं माँ, कोई फायदा नहीं होगा उसे। बेटी, वो इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि उसे कोई एक रास्ता चुनना है। अगर तूने अपना हक नहीं मांगा ना, तो वो तुझे भूल के शोभा को अपना लेगा। शोभा को तो वो ऐसे भी नहीं कभी भूल सकते। तो क्या तू शोभा के लिए सारी जिंदगी इसी तरह पीसती रहेगी? मैं सुशील से बात करके आज ही फैसला करती हूँ। हेलो सुशील, मैं शालिनी की माँ बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटी के बारे में आज ही फैसला करना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हेलो हेलो, देखा, कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। बेटी, तू अभी उसके पास जा और उसे कह दे कि वो तुझे तेरा भी हक दे, वरना तू दुनिया को सारी सच्चाई बता देगी। जा। सुशील, आज मुझे आप बता ही दीजिए कि मेरी जिंदगी के बारे में आपने क्या फैसला किया है। फैसला? हाँ, क्योंकि मैं आपके इरादे के बारे में जान चुकी हूँ। मैं जान गई हूँ कि शोभा जी को पाने के लिए आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है शालिनी। तो फिर क्या बात है, जो कुछ भी आप मुझे बता क्यों नहीं देते? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप शोभा जी को ना अपनाएं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आप मुझे ठुकरा दे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या करोगी तुम, आज बता ही दो। हमेशा तुम मुझे धमकी देती रहती हो, आज फैसला हो ही जाए। इस वक्त कौन आ गया? सुनो, तुम अंदर जाओ। अंदर क्यों? उफ़, तुमसे कहा ना अंदर जाओ भाई। तुम लोग? हाँ पापा, हम वापस आ गए। हाँ पापा, मम्मी ने तो थोड़े दिनों में आना ही था, तो हमने सोचा हम लोग पहले आ जाते हैं और फिर मम्मी के स्वागत की तैयारी हम लोग तीनों मिलके करेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है सुशील? हाँ? आप इतनी घबराए क्या है? आपको तो आज खुश होना चाहिए, आज बच्चे घर वापस आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत वक्त पर आ गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप हमें अंदर क्यों नहीं बुला रहे? हाँ, आओ ना। कोई आया है क्या? नहीं, यहाँ यहाँ कौन आ सकता है, कोई नहीं है। वो ये तो लेडीज पर्स है, किसका है पर्स? वो वो कौन है अंदर सुशील? अंदर क्या हुआ पापा, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा ना कोई नहीं है अंदर। अभी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये थी आपकी सच्चाई सुशील? मुझे तो पहले ही शक था, मैंने दुनिया वालों की बात मान ली थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं जानती थी कोई ना कोई बात जरूर है, और आज वो बात सामने आ गई। खैर, आपसे तो कुछ कहना ही फजूल है। शालिनी, तुम तो मेरी दोस्त हो, और आज भी अगर मुझे अपना दोस्त मानती हो
तो तुम ही मुझे बता दो कि सच्चाई क्या है। अब जाने दीजिए ना शोभा जी, यूं बच्चों के सामने। नहीं शालिनी, बच्चों को भी सच्चाई जाने लेना चाहिए। बताइए आपके सुशील के बीच गलत संबंध है या नहीं, बोलिए। नहीं शोभा जी, आपको गलत फहमी हो रही है, हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है, हम दोनों ने शादी की है। ओह चलिए, आपके साथ तो उन्होंने अपना शराफत का सबूत दे दिया और यही सारी बातें आप मुझसे छुपाती रहीं। आपकी माँ भी मुझसे यही सब बातें बताने के लिए मिलना चाह रही थी, है कि नहीं? और इसीलिए आप मुझसे ये भी छुपा रही थी कि आप माँ बनने वाली। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब तो वही होगा जो होना है। शालिनी मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी, ये तो एक मतलब परस्त इंसान है, रंग बदलना इनकी फितरत है। शोभा जी प्लीज बोलने दीजिए मुझे, बहुत चुप रही हूँ मैं। ये अपनी खुशियों के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। सुशील पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है शालिनी, और आप सुशील अपने दिलो दिमाग से ही नहीं अपनी ज़िंदगी से मेरा नाम निकाल दीजिए। हमें ये कहते हुए शर्म आ रही है पापा कि हम आपकी औलाद हैं। आप ये भूल जाइएगा कि आपके दो बच्चे थे, आज के बाद हमारा और आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप मेरी सॉरी सुशील, ऐसा कुछ हो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी, लेकिन